सुप्रभातम छात्रा, आज मैं लेसन 14 भविष्यत का दृढ़ लकार, भविष्यत का दृढ़ लकार प्रथम पुरुष पढ़ेंगे। भविष्य का मतलब होता है जो क्रिया अभी हुई नहीं है अपितु आने वाले समय में होगी, उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। धातु में लृट लकार की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जोड़कर भविष्यकाल क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे गम धातु में राधा जाएगी, गम धातु में राधा एक वचन है तो गम में एक वचन गमिष्यति। तीता अंत इसमें भी होता है, खाली इसमें इष्य लग जाता है, गम प्लस इष्य, तो इसलिए इष्य लग जाएगा गमिष्यति। मित्राणि हसिष्यन्ति, हस में इष्यन्ति लगाइए, हसिष्यन्ति। अब हम जैविकम उद्यानम पर पढ़ रहे हैं। श्वः माने कल, आने वाला कल, रविवासरः, कल रविवार है। सिद्धार्थ पितामहेन सह, पितामह के साथ भ्रमणाय जैविकम उद्यानम गमिष्यति, भ्रमण के लिए। चतुर्थी विभक्ति जैविक उद्यानम, जैविक उद्यान माने होता है प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान यानि अजायब घर, चिड़िया घर गमिष्य जाएगा। सर्वप्रथम उद्यान के पशु विभाग में तव वह दोनों सिंहान दृक्षता, सिंहों को देखते हैं। यद्यपि सिंहा गर्जिष्यति, यद्यपि सिंह गरजेगा, तथापि सिद्धार्था न भेष्यति, तथापि मैंने फिर भी सिद्धार्थ नहीं डरेगा। भी भय माने होता भी से बनता भय, भेष्यति। व्याघ्राः अपि गर्जिष्यति, बाघ भी गरजेंगे। अन्यत्र मृगाः, दूसरी जगह मृग, इतस्ततः धाविष्यन्ति, इतस्ततः इतः ततः इधर उधर धावित दौड़ेंगे। वानराः बंदर, वृक्ष से वृक्षात्म, पंचमी विभक्ति वृक्षम, वृक्ष से वृक्ष को कूदेंगे। गजाः हाथी, शनै शनै धीरे धीरे चलेंगे। और बालक पृष्ठे उसकी पीठ पर बैठेंगे, और बालक उसकी पीठ पर बैठेंगे। खगा नाम विभागे, पक्षियों के विभाग में सप्तमी विभक्ति मयूराः बहुवचन दर्तिष्यन्ति, बहुवचन में अंति होता है। शुकाः तोते मनुष्यों की भाषा में बोलेंगे। कोयलें कूजिष्यन्ति च, और कोयलें कूजेंगी। अन्यत्र दूसरी जगह जल में मकराः माने घड़ियाल, मगर तैरेंगे। हंस भ्रमिष्यन्ति घूमेंगे। कच्छपाः कछुए क्रीडन्ति च, और कछुए क्रीडें खेलेंगे। उद्याने अनेकाः वृक्षाः सन्ति, उद्यान में अनेक वृक्ष हैं। वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति वृक्ष की, छायायां सप्तमी विभक्ति छाया में सिद्धार्थः सिद्धार्थ, पितामहः च और पितामह। शीतपेयम कोल्ड ड्रिंक, शीत पे पास्यन्ति, शीत पे पिएंगे। पास्यतः है दुवचन है ना, तथा उसके बाद, और उसके बाद गृहम आगमिष्यतः, घर आ जाएंगे। अब आइए शब्द संग्रह पर, शब्द संग्रह पर हमने निशान लगा रखा है, आप कृपया इसे अपनी कॉपी में अर्थ सहित लिखें और याद करें, काम आएगा। ऐसे ही भविष्य काल लट लकार में आप देखें शब्द की मीनिंग क्या होती है, वो भी आपको याद करना है। मैं जो पर्याय प्रयोग होती हैं मैंने उन सबको अंडरलाइन कर दिया है। वैसे तो आपको सारा याद करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है हमेशा हमेशा के लिए। अब आ जाइए, देखिए लट लकार में प्रथम पुरुष के धातु रूप, इसमें बदम का बदेश्यति होता है, इनका सबका कैसे रूप बनता प्रथम पुरुष में। ती में खाली इष्य लगा दिया है, वदेश्यति, भू में भविष्यति, इस तरह सब में आप देखिए इष्यति लगा दिया है, धातु रूप तैयार हो जाती है। अब आप आ जाइए अभ्यास में, सिंहः गर्जिष्यति पहला लिखा हुआ है, मयूराः क्या हो जाएगा, नृत धातु में नर्तिष्यन्ति, बहुवचन है तो अंति हो गया। मकराः बहुवचन तरिष्यन्ति, वानराः कूर्दिष्यन्ति, कोकिलाः कूजिष्यन्ति,
कच्छपाः क्रीडिष्यन्ति या भ्रमिष्यन्ति, जो भी लिखा है आप देख लीजिए उसे। सिद्धार्थः वृक्ष छायां किं करिष्यति, सिद्धार्थः वृक्षस्य छायायां शीते पेयः पास्यति। असुकाः मनुष्याः किं करिष्यन्ति, सुकाः मनुष्याः इव वदिष्यन्ति। प्रश्न नंबर दो में आइए, धातु के उचित रूपों से रिक्त स्थानों को भरें। स्वः स्वामिवासरः, सिद्धार्थः प्रातः उद्याने, सिद्धार्थः एक वचन, भ्रमिष्यति भ्रम धातु लगाना है, दिवसे सह विद्यालयम्, सह के साथ ती लगेगा, गमिष्यति गम धातु में, तत्र विविधान पाठान पठ धातु लगाइए, पठिष्यति, सह एकम पत्रम अपि, सह के साथ ती लगाइए, लेखिष्यति, अपराणे सह विद्यालयात गृहम, सह आग सह गृहम गमिष्यति या आग आगमिष्यति। आगमिष्यति यहाँ कर दीजिए, क्योंकि आ प्लस गम है ना, आगमिष्यति हो जाएगा ये, इसको आगमिष्यति कर दीजिए। सायं मित्रैः सह क्रीडिष्यति, रात्रौ भोजनात् अनन्तरं शयनं, सह है तो करिष्यति, त्री धातु है ना। अब प्रश्न नंबर तीन पे आइए, कृषका ग्रामम गच्छन्ति, तो द्विवचन, भूतकाल में कृषका ग्रामम अगच्छन्, भविष्यत में कृषका ग्रामम गमिष्यन्ति। रमेशः गृहे, यहाँ लास्ट में दिया हुआ बहुवचन में, रमेशः गृहे स्थास्यति एक वचन, हम ही कहाँ यहाँ क्या लिखेंगे, रमेशः गृहे तिष्ठति, स्था धातु में तिष्ठति से रूप चलता है, रमेशः गृहे अतिष्ठत, रमेशः गृहे अतिष्ठत, ना नहीं होगा यहाँ, ता हो जाएगा, अतिष्ठत। एषा मधुरम, यहाँ पे क्या लिखा है, एषा मधुरम अगायत, भूतकाल वर्तमान में, एषा मधुरम गायति, और फिर है एषा मधुरम गास्यति, जनाः प्रातः काले भ्रमन्ति, ये हो गया वर्तमान काल। अब भूतकाल में आइए, इसका बहुवचन होगा, जनाः प्रातः काले अभ्रमन्, ये ना है ता लग रहा होगा आपको, अभ्रमन् ऐसे करिए, जनाः प्रातः काले भ्रमिष्यन्ति भ्रमिष्यन्ति। प्रश्न नंबर तीन का अंगा देखिए, ते मयूरान पश्यन्ति, यह है वर्तमान का लट लकार बहुवचन में, क्यों, भूतकाल में उन्होंने लिख रखा है ते मयूरान अपश्यन्, भविष्य काल में पश्यता चलता है, दृष्ट धातु की तरह से, ते मयूरान रक्षन्ति। अभी हम देखिए, सा कथम हसति, एक वचन हो गया, भूतकाल में सा कथम अहसत, राइट, अब यहाँ पर कह सा कथम हसिष्यति, ये हो गया भविष्यकाल लट लकार में। अब आ जाइए भविष्यकाल लट लकार में प्रश्न नंबर चार पर, लेखिष्यति, अब इसका हमने शब्द रूपों के वाक्य अलग से बनाकर आपको भेज रखा है, उसको देख लीजिएगा, ये नहीं है, कहीं अलग से भेज रखा है, लेकिन प्रश्न नंबर पाँच पे आइए, उचित क्रियाएं चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। संगीता एका गायिका, एक वचन है ना, तो भविष्यति, ना इसमें रॉन्ग, ये गलत है, इसको करिए, क्योंकि ये जो है बिजनेस, ये करिए आप,
उष्णम जलम कोपि न पास्यति पास्यति वने मयूराः नर्तिष्यन्ति नर्तिष्यन्ति ये हो जाएगा वे मयूराः नर्तिष्यन्ति ये गलत है। पिता आपणात् मोदकानि आनेष्यति और सर्वेशः मित्राय पत्रं लेखिष्यति। प्रश्न नंबर 6 में हिंदी में अनुवाद करें। पूजकः तत्त्व मंदिरं कदा गमिष्यति पुजारी उस मंदिर में कब जाएगा। रमेशः श्वः पत्रं लेखिष्यति रमेश कल पत्र लिखेगा। बसंते कोकिलाः पूजिष्यन्ति बसंत में कोयलें पूजेंगी। घ देखिए बालकाः दुग्धं पास्यन्ति इसका हिंदी में हो जाएगा नीचे लिख दिया है मैंने बालक दूध पिएंगे राइट। ते जनाः दूधरसे क्रिकेट क्रीडां द्रक्षन्ति ते जनाः वे लोग दूरदर्शन दूरदर्शन पर क्रिकेट का खेल क्रिकेट क्रीडां खेल को देखेंगे। संघमित्रा एकम मधुरम गीतम गास्यति संघमित्रा एक मधुर गीत गास्यति गाएगी। अब अभी प्रश्न नंबर 7 पे आइए। ये घोड़े मैदान में दौड़ेंगे अब यहाँ इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। ये घोड़े मैदान में दौड़ेंगे एते अश्वाः प्रांगणे धाविष्यन्ति वे छात्र विज्ञान पढ़ेंगे ते छात्राः विज्ञानं पठिष्यन्ति। अचला ठंडा जल पानी पिएगी अचला शीतलम जलम न पास्यति नहीं पिएगी और वे यहाँ नहीं रहेंगे ते अत्र न निवसिष्यन्ति। सभा में महिलाएं भी आएंगी सभा में सप्तविभक्ति सभायाम महिलाः अपि आगमिष्यन्ति। इसकी विस्तृत व्याख्या आपको अलग से भेजी गई है वो आप पढ़ लीजिएगा इसे ठीक है। ये सारे के सारे जैविक उद्यानम का अर्थ लिखा हुआ है इसको सारा आप पढ़ लीजिएगा सबके अर्थ आपको मिल जाएंगे। सब संग्रह पे जो निशान लगाया वो करना है आपको। दैट्स ऑल थैंक यू।